नंबर 15 पास्ट परफेक्ट एक्टिवस रोल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हैड यू टॉट इंग्लिश यस आई हैड टॉट इंग्लिश नो आई हैड नॉट टॉट इंग्लिश टेंस नंबर 15 पास्ट परफेक्ट पैसिवस रोल ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हैड इंग्लिश बीन टॉट यस इंग्लिश हैड बीन टॉट नो इंग्लिश हैड नॉट बीन टॉट प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव और पैसिव को समझने के बाद चलिए अब हम लेसन नंबर 49 के अंदर मुझे पास्ट परफेक्ट एक्टिव और पैसिव को भी समझाना है तो उस पर भी थोड़ी रोशनी डाल सकूं। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस से ताल्लुक रखने वाले टेंस 15 नंबर के टेंस होंगे। यहां पर प्रेजेंट के बजाय नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर पीएसटी पास्ट और डियर स्टूडेंट्स इसका तज़करा तफसीली अंदाज में लेसन नंबर 37 के अंदर जिक्र किया गया है, आप वहां पर भी उसे देख सकते हैं। तो डियर क्लास का नाम है पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। क्या होता है पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस और क्यों इस्तेमाल किया जाता है पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस को, तो मैं आपको बताता चलूं। जब कभी भी आप माजी में ऐसे कामों के बारे में बातचीत करते हैं जिसे किसी मखसूस वक्त में शुरू करके किसी मखसूस वक्त तक खत्म किया जा चुका था, लेकिन आप जुमले में एक ऐसे वक्त का तस्करा कर रहे हैं जिस वक्त वो काम खत्म हुआ और जिस वक्त का आप तस्करा कर रहे हैं उसके बीच में ज्यादा वक्फा नहीं गुजरा है, आधा घंटा एक घंटा दो घंटे का ही वक्फा गुजरा है, इसलिए उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर पास्ट परफेक्ट के जुमलों के अंदर चुका चुकी चुके के साथ पास्ट की अलामत था थी थे, इसी तरह चुका था चुकी थी चुके थे चुनांचे। अगर आपके सामने कोई ऐसा जुमला जिक्र किया जाए जिसमें चुका था चुकी थी चुके थे पाया गया हो तो आप आंख बंद करके उस जुमले को पास्ट परफेक्ट तसव्वुर कीजिए जिसमें चुका चुकी चुके परफेक्ट के ऊपर दलालत करेगा और था थी थे पास्ट के ऊपर दलालत करेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने चंद जुमलों का तकल्लम करने जा रहा हूं, आप गौर कीजिए आया ये कि ये जुमले कौन से क्लास से ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जांपल वे लोग आ चुके थे, जब हम स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इन जुमलों पर गौर करें तो जो चुका था चुकी थी चुके थे वाला जुमला है ये पास्ट परफेक्ट से ताल्लुक रखने वाला जुमला मानिए उसको, और या ई ए पर से जो जुमला ताल्लुक रख रहा है उसको आप पास्ट सिंपल तसव्वुर कीजिए। ये रिस्टेंस पास्ट परफेक्ट से ताल्लुक रखने वाले जुमलों को आप इंग्लिश में कैसे तर्जमा करेंगे उसका भी जामे स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप गौर कीजिए। पास्ट परफेक्ट से ताल्लुक रखने वाले जुमलों को इंग्लिश में तर्जमा करते वक्त सबसे पहले आप सब्जेक्ट को यूज करेंगे, उसके बाद हैव हैज की जगह पर इसका एक पास्ट का भाई है एच ए डी हैड को प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप वर्ब को थर्ड फॉर्म को प्रयोग करेंगे। अब सवाल यह है कि हैड किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो यहाँ वाहिद गायब और माँ बकिया की तफसील नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब अकेला है, लिहाजा विद ऑल सब्जेक्ट्स यानी तमाम सब्जेक्ट के साथ लफ्ज हैड को इस्तेमाल किया जाएगा। चुनांचे आप कह सकते हैं आई हैड वी हैड यू हैड दे हैड नेम्स हैड और उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कहना है कि क्या आप इंग्लिश पढ़ा चुके थे तो आप बोलिए Had you taught English? अगर आपको जवाब देना है कि हाँ मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था तो आप बोलिए Yes, I had taught English. और डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये कहना है कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका था तब आप बोलिए No, I had not taught English. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा चुका था। वे लोग आ चुके थे They had come. हम लोग जा चुके थे We had gone. खुशी सर सबक पढ़ा चुके थे खुशी सर had taught English. वे लोग बात कर चुके थे They had talked. हम लोगों ने काम खत्म कर चुके थे वी हैड फिनिश्ड आवर लेसंस। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस को समझने के बाद चलिए अब मैं आपके सामने पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस को जिक्र करता हूँ शॉर्ट टेंस में। इसको टेंस नंबर 16 के ऊपर जिक्र किया गया है, क्लास का नाम है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस क्या होता है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कोई कार्य किया गया है नहीं बल्कि कोई कार्य किया गया था, कोई काम किया गया था, करने वाला कौन था मालूम नहीं, करने वाला कौन था मालूम नहीं। इसकी सिंपल डिफिनेशन हो सकती है जमाने माजी में किसी कार्य को किया गया था करने वाला कौन था मालूम नहीं। दरअसल कि जब आप उस किए गए काम के बारे में उर्दू में या हिंदी में तकल्लुम करते हैं तो जुमले के अंत में या जा चुका था ई जा चुकी थी
ए जा चुके थे पाया गया हो। इसमें या ई ए पैसिव वॉइस के ऊपर दलालत करेगा, चुका चुकी चुके ये परफेक्ट के ऊपर दलालत करेगा, और था थी थे ये पास्ट के ऊपर दलालत करेगा। इस तरह अगर आपके सामने कोई ऐसा जुमला जिक्र किया जाए जिसमें ये अलामत पाई गई हो, या जा चुका था, ई जा चुकी थी, ए जा चुकी, इसलिए ये जुमले पास्ट परफेक्ट से ताल्लुक रखने वाले जुमले तसव्वुर किए जाएंगे। अब सवाल ये कि ऐसे जुमलों को आप इंग्लिश में कैसे तर्जमा करेंगे, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, उसका सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपके सामने वाजे करने जा रहा हूँ, इसे गौर से समझिए। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को यूज कीजिएगा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हैव हैज की जगह पर एच ए बी हैड को प्रयोग कीजिएगा। बीन अपनी जगह पर रहेगा क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर और परफेक्ट के पैसिव वॉइस के अंदर बीन जरूर आता है। उसके बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट यूज कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये कहना है कि क्या इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, तो आप कहेंगे हैड इंग्लिश बीन टॉट, और जवाब देना है कि हाँ इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी थी, सो यू कैन से इंग्लिश हैड बीन टॉट, इंग्लिश एच ए डी हैड बीन टॉट। और अगर कहना है कि नहीं इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई थी, तो आप बोलिएगा नो इंग्लिश had not been taught. Dear students, so I hope आपको past perfect passive voice भी बहुत बेखूबी समझ में आ गया होगा।